Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इमरान खान आयशा गुलालई से कौमी असेंबली की सीट वापस चाहते हैं, लेकिन वो पीटीआई के पूरे सेटअप पर नजरें जमाए बैठी हैं। तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों की बाजगश्त सुनाई दे रही है। नैब के रेफरेंसेज एहतसाब अदालत आ गए, लेकिन शरीफ खानदान कटहरे में आने को तैयार नहीं। मियां साहब की पेशी के बगैर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, बलूचिस्तान को आड़ बनाकर मुल्क दुश्मन कुवतें मुतहरिक हैं। मनफी मुहिम पर स्विस हुकाम की पुरअसरार खामोशी के पीछे मुनज्जम साजिश दिखाई दे रही है। और मिशाल खान के कत्ल के 5 माह के बाद आखिरकार ट्रायल का आगाज हो गया, मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसाफ के निजाम का इम्तिहान है, मिशाल केस को माशरे के लिए मिसाल बनाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहला मरहला नैब की तहकीकात थी और आज से इस फैसले के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। नैब रेफरेंसेस की बुनियाद पर एहतसाब अदालतों ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, लेकिन इन दोनों मराहल में मुश्तरक बात यह है कि शरीफ खानदान किसी तौर पर भी तआवुन को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। वो ना नैब के सामने पेश हुए और ना ही आज एहतसाब अदालत के बुलाने पर आए, जिस पर आज नैब ने मियां साहब और उनके साहबजादों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की भी इस्तदा की। अलबत्त फिलहाल अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और 26 सितंबर को शरीफ खानदान के तमाम अफराद को फिर अदालत बुलाया है। एहतसाब अदालत में आज की कार्रवाई में शरीफ खानदान का पेश ना होना तकरीबन तय था, क्योंकि एहतसाब अदालत की कार्रवाई के आगाज से पहले ही पूरी की पूरी जो फैमिली है वो लंदन जा चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत उनके साहबजादे, बेटी और दामाद तमाम के तमाम अफराद इस वक्त लंदन में हैं, जिसे लग ही रहा है कि नून लीग के अब अदालतों का सामना ना करने का फैसला तो पहले ही कर चुकी है। और यहाँ पर यह बात भी अहम है कि उनकी पेशी के बगैर ये केस आगे बढ़ भी नहीं सकता, ना ही जीआईटी की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जाम की स्क्रूटनी हो सकती है। तो खासी मुश्किल सूरत हाल है ये, लेकिन यहाँ इसके साथ अदालत के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो इंटरपोल के जरिए वारंट गिरफ्तारी जारी करके शरीफ खानदान को अदालत में पेश करने का पाबंद बनाए। इसके अलावा मुसलसल अदम पेशी की बुनियाद पर 3 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इसकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं बात करेंगे। हमें प्रोसिक्यूटर नैब, एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। एहतसाब अदालत की पहली समाअत आज बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई है, अब कोर्ट ने फिर शरीफ खानदान को 26 सितंबर को बुलाया है। अगर शरीफ खानदान का कोई फर्द फिर भी अदालत में पेश नहीं होता, जैसा कि उम्मीद भी की जा रही है, अभी तक तआवुन नहीं किया गया, ये समात आगे बढ़ेगी कैसे और अदालत की जानिब से कार्रवाई क्या होगी? देखिए, इसमें कानून ये है कि आज उनको दूसरा नोटिस दे दिया गया है। अब वो नोटिस अगर अदम तामील होकर वापस आता है तो अदालत ने इनके वारंट्स निकालने हैं, जो कि बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी होंगे। और उसके बावजूद अगर ये नहीं आते तो फिर नैब की सेक्शन 31 के तहत इनको 3 साल तक की नॉन अपीयरेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट, उसमें 3 साल तक की सज़ा हो जाएगी और उस सज़ा के बाद मुकदमा रुक जाएगा। फिर कोर्ट्स को ये काम करना पड़ेगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि देयर वुड बी अ मॉनिटरिंग जज हु वुड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस जजमेंट। वो अपनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने एक जज साहब की ड्यूटी लगाई हुई है, और उसके अलावा उसमें उन्होंने सी भी करनी है ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो अथॉरिटीज हैं उनको रेफर करना पड़ेगा ये मैटर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एफआईए के जरिए इंटरपोल को, और इंटरपोल के जरिए ये केस अब ज्यादा यूके में लड़ा जाएगा और उसके जरिए इनको वापस लाया जा सकता है, और यूके में मजीद वहां के जो कानून है उसके मुताबिक इनको एक्सट्राडाइट भी कराया जा सकता है। एक्सट्रेडिशन की ऑल दो कोई ट्रीटी हमारे नहीं है, लेकिन वहां के कानून में है कि अगर आप एक ऐसा केस ले जाते हैं कि जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग
और जो जोन से है एसिड्स वगैरह इनके केसेस जाते हैं तो वहां पे सेक्रेटरी इंटीरियर जोन से है वो कोर्ट को लिखते हैं कि अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर ले तो तब भी इनको वापस लाया जा सकता है जिसमें इनके तमाम एसेट्स वहां भी फ्रीज हो सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में इनके लिए काफी सिचुएशन टाइट हो जाएगी। लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो तो आपने वाजे किया। आज भी नैब ने शरीफ खानदान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त की थी जिसे एहतसाब अदालत ने मुस्तरद किया है। क्या अदम पेशी पर आइंदा समाअत पर वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो सकते हैं, एक बार फिर इसकी वजाहत कीजिएगा। जी जी, ये दरखास्त दोबारा की जाएगी और कोर्ट ने, अब ये कोर्ट के पास मामला है, इसमें दरखास्त ना भी हो तो कोर्ट ने एक प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके तहत ऑटोमेटिकली इनके वारंट्स निकल आएंगे और कोर्ट इसको रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में इनकी जायदाद है वो भी फोरफीट हो सकती है, वो भी जब्त हो सकती है, उसको भी ग्रुप किया जा सकता है 87-88। शरीफ खानदान की अदम मौजूदगी में समाअत अगर आगे नहीं बढ़ सकती तो मामला इसी तरह से तातुल का शिकार रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जाहिर एक डेडलाइन दी हुई है, एहतसाब अदालत को उसको भी पूरा करना है, मार्च तक का ये वक्त है केस निपटाने का। क्या आप देखिए जी, ऐसी सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट भी बेबस है कि वो क्या करे कि जब मुलजमान ही उसके सामने नहीं तो वो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लिख देंगे कि ये डेडलाइन में एक्सटेंशन होनी चाहिए। और क्योंकि अब मुझे लगता है ये मुकदमा 6 माह में शायद कंप्लीट ना हो क्योंकि इनको वापस लाने का प्रोसीजर ही इटसेल्फ काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर ये सीरियसली करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है, पेन भी नए आ रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी नया आ रहा है, अटर्नी जनरल ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन्वॉल्व होगी, तो ये तमाम वो अदारे हैं जो बज़ाहिर अभी तक वो इसी तरीके से चल रहे हैं कि वो इस केस को जितना भी डिले कर सके वो करेंगे और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद अदारा होगी कि जो ये देखेगी और इन लोगों को कहेंगे। मुझे लगता है ये वही सिचुएशन आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही होगी कि आप खत लिखिए, उनको लाइए, और गवर्नमेंट कह रही होगी कि हम नहीं लिखते, जैसे कि गेलानी साहब के केस में हुआ था। और ये यहाँ पे आके मामला तो ये जो इंटरपोल का जो मामला है आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, अगर ये मामला इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारियों तक पहुंचता है तो अब बड़ा ही इंतहाई इकदाम होगा। ये मौजूदा हालात में आपको लगता है कि अदालत ये फैसला भी दे सकती है अगर शरीफ खानदान किसी किस्म का? देखिए, अदालत को तो मुकम्मल इख्तियार है और अदालत का अगर आप फैसला पढ़ें तो उन्होंने अपने, सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, अपने फैसले में ये कहा है कि वी वुड मेक श्योर के हमारी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या सो जजमेंट सिर्फ यही थी कि मियां साहब को डीसीट कर दिया जाए और वजीर आजमशिप से हटाया जाए, या वो जजमेंट का जो बड़ा पार्ट है वो ये है कि जो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैं, ये जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस हैं, ये जो एसेट्स बियॉन्ड नोन मीन है, आया वो केसेस चलने हैं या नहीं चलने, अगर अदालतें उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगी तो ये केस भी जैसे कि एक दिहाई तक, डिकेड्स तक पड़े रहेंगे और अल्टीमेटली इनका भी वही अंजाम होगा कि जो बाकी केसेस का। बहुत शुक्रिया राजा अमीर अब्बास, साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब हमारे हमरा थे। और नैब अदालत की जो कार्रवाई है, एहतसाब अदालत की, उससे मुतालिक जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उस पर तो हमने बात की। अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्विट्जरलैंड का शहर जनेवा, इसी महीने फ्री बलूचिस्तान के नाम से एक तशहीरी मुहिम का वहां पर आगाज हुआ है जिसके तहत जनेवा में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, टैक्सी सर्विसेज पर बैनर्स भी लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुनज्जम किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुहिम चूंकि स्विट्जरलैंड में चल रही है इसीलिए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि शायद इसके पीछे बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी मुलव्वस है, क्योंकि बीआरए को बरामदाग बुकती लीड करता है और जिसने इस वक्त स्विट्जरलैंड में पना ले रखी है। अलबत्त हैरानकुन तौर पर इस तमाम मामले में पाकिस्तान बीआरए की जगह बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहरा रहा है जिसकी सरबराही हरबियार मरी के पास है और वो इस वक्त लंदन में मुकीम है। तो 6 सितंबर को इस सारे मामले पर जनेवा में अक़वाम मुत्तहदा के दफ्तर में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब फर्रुख आमिल ने स्विस हुकाम को एक खत लिखा जिसमें इस इश्तिहारी मुहिम को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए अपने जो खदशात थे उनसे आगाह किया गया। इस मरासले को अगर उठा कर देखें, जो खत जो लिखा गया है इसमें बीएलए का बार बार जिक्र किया गया है, तहम इस मरासले पर स्विस हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर अब इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा ने स्विस सफीर को भी तलब किया है। पाकिस्तान मुखालिफ तशहीरी मुहिम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और कराना भी चाहिए। इस हवाले से दफ्तर खारजा का एक बयान भी सामने आया जिसमें ये कहा गया है लगे पोस्टर्स को एक दहशतगर्द तंजीम ने स्पॉन्सर किया है।
जिसे पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक हैं उन्होंने कलदम करार दे रखा है। स्विट्जरलैंड की जानिब से अपनी जमीन को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने देना अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसीलिए पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इस शरंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड को वाज़े पैगाम दिया गया है। अलबत्त अब तक स्विस हुकाम की जानिब से इस मुहिम को रोके जाने से मुतालिक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। इसीलिए चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने भी अब से कुछ देर पहले इस मामले पर वजारत खारजा से जवाब भी मांगा है और वजीर कानून का को ये भी हिदायत की है कि वो वजारत खारजा को जवाब देने का पाबंद बनाए। यहाँ एक ये बात भी अहम है कि ये मुहिम उस वक्त सामने आई है जब हाल ही में बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सरबरा बरामदा मुफ्ती की जानिब से बलूचिस्तान की शैडो हुकूमत बनाने की भी खबरें आ रही हैं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है इस पर हम बात करते हैं। ब्यूरो चीफ क्वेटा मुजीब अहमद हमारे हमराह हैं। बहुत शुक्रिया मुजीब। बलूचिस्तान के मामला इस वक्त जिस तरह से बैन अवी दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं, जो तशहरी मुहिम है इसको इस वक्त पर चलाने का एक तो जवाज़ क्या नज़र आ रहा है, वजह क्या नज़र आ रही है, इसके पीछे साजिश क्या है? फिर ये भी बताइएगा कि ये जो तंजीम है ये कौन सी मुलव्वस है, बीएलए है, बीआरए है, इसके पीछे क्या कन्फ्यूजन क्या है? जी नाजिया, हमारे सामने ये बात अब आई है, शायद मीडिया ने इसको हाईलाइट नहीं किया। गुज़िश्ता 4 माह से ये सिलसिला जारी है। पहले ये मुजाहरों का सिलसिला बीआरपी जो बलोच रिपब्लिकन पार्टी है बरामदा बुख्ती की, उसने शुरू किया जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से और फिर ये बेल्जियम और यूरोप के दीगर शहरों में गए मुजाहरों की शक्ल में, और मुसलसल आज़ाद बलूचिस्तान का मुतालबा सामने आता रहा इनकी जानिब से। फिर उसके बाद इन्होंने गुज़िश्ता माह एक इजलास जनीवा में किया जहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया बाकायदा जो हुकूमती इदारे हैं उनके सामने जाके और आज़ाद बलूचिस्तान के पोस्टर उठाए, और ये तय पाया कि अब बाकायदा एक इश्तियारी मुहिम शुरू की जाएगी। और इस सिलसिले में ये मुहिम शुरू कर दी गई बाकायदा स्विट्जरलैंड में। अब बरामदा बुख्ती हैं, बरामदा बुख्ती बलूचिस्तान से फरार होके अफगानिस्तान गए थे, वहाँ पे अमरीका के जेर साया वो काबुल में रहते रहे और फिर बाद में अमरीका ही उन्हें ले गया स्विट्जरलैंड और सियासी पना दिलवाई, जिसके बाद वो ये काम कर रहे हैं और ये सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं की जमात है बीआरपी और उसका अस्करी विंग बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करता है बीआरए के नाम से। तो ये दहशतगर्द तंजीम है जिसके आगाह नहीं है मुजीब, क्योंकि इस मुहिम के पीछे बीआरपी का हाथ है और हुकूमती सतह पर मुसलसल बीएलए का नाम लिया जा रहा है, दोनों जमातें मिलकर इस मुहिम का हिस्सा है, ये वजह है? नहीं नाजिया, ये बिल्कुल हमारा बयानिया ही गलत हो रहा है, इसलिए स्विस हुकाम इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हुकूमत को चाहिए कि वो ये मामला उठाए कि बरामदा बुख्ती जिसने सियासी पना ली हुई है स्विट्जरलैंड में, बलोच रिपब्लिकन पार्टी और बीआरए का वो सरबरा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो रा और अमरीकी फंडिंग के जरिए ये मामला को चला रहा है, रा इसकी बुनियादी फंडिंग कर रही है और अमरीकी सेनेटर डोना रोचाबार और एक दो और हैं वो भी मिलते रहे हैं बरामदा बुख्ती से और वो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ रा फंडेड नहीं है, ये सीआईए फंडेड भी आप इसको कह सकते हैं और पुष्ट पनाही मिल रही है। हमारा बयानिया इसलिए गलत हो रहा है कि हम बार बार बीएलए का नाम ले रहे हैं जबकि जनीवा में एज सच बीएलए का कोई वजूद सामने नहीं आया। और मुझे इसके अलावा कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि बरामदा बुख्ती बलूचिस्तान की शेडो काबीना तश्कील देने की कोशिश कर रहा है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बगैर किसी रियासती सरपरस्ती के ये आपको मुमकिन दिखाई देती हैं या इस तमाम तर सूरत हाल पर स्विस हुकाम की खामोशी, कौन सी कुवतें इस तमाम तर साजिश के पीछे हैं? दांजिया, ये बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनने को जा रही है और इसके लिए बाकायदा होमवर्क बरामदा बुख्ती और उनके दीगर साथियों ने किया है। इसको सपोर्ट बाकायदा रा की तरफ से भी है, स्विस हुकूमत भी इस पे आंखें बंद किए बैठी है, लेकिन जो देखा जाए बुनियादी फंडिंग और पीछे कहीं ना कहीं आपको अमरीकी सेनेटर्स नजर आएंगे, सीआईए नजर आएगी जो इसको मेन सपोर्ट दे रही है। ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है स्विट्जरलैंड में ही कायम करने का इरादा है और इसके कुछ जो अहदेदार होंगे वो अमरीका के कुछ इलाकों से लिए जाएंगे, कुछ जर्मनी से लिए जाएंगे, जिसके बाद ये एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और फिर आलमी दुनिया पर दबाव डाला जाएगा
कि वो मुबसरीन को बलूचिस्तान भेजें या आपकी सूरतयाल देखें और फिर इस गवर्नमेंट को तस्लीम करें। इसके लिए बाकायदा साजिश इंडिया की तरफ से की जा रही है, इसराइल और अमरीका भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद, ब्यूरो चीफ क्वेटा हमारे हमराह थे। और एक ऐसी साजिश ऐसे वक्त में की जा रही है कि जब पाकिस्तान आलमी बरदरी के सामने अपना मौकफ़ पेश करने जा रहा है, वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और यू एन की जनरल असम्बली से भी खिताब करने जा रहे हैं, ऐसे में एक साजिशी मुहिम है जो साथ साथ चलाई जा रही है। यहाँ पर के बाद कुछ और अहम स्टोरीज हैं जो आपसे शेयर करेंगे, देखते रहिए न्यूज़ ऑन नाज़िया। वेलकम बैक। आयशा गुलालई पीटीआई को छोड़ चुकी हैं और उन्होंने इमरान खान पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हुए हैं जिनकी तहकीकात होना भी बाकी है। स्पीकर कौमी असेंबली ने इस मामले पर तहकीकात के लिए अखलाकियात कमेटी बनाने का ऐलान भी कर रखा है, जिसमें 13 अरकान हुकूमत के जबकि 7 अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। इस कमेटी के लिए नाम भी तलब किए गए, अलबत्त इस हवाले से अभी तक कोई डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि आयशा गुलालई पीटीआई छोड़ने के बावजूद भी कौमी असेंबली की नशस्त छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बिना पर तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर रखा है, जिसमें उन पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम लगाया गया और उनकी असेंबली रुकनीत मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त की गई। ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, जिस पर आज आयशा गुलालई ने बाकायदा जवाब जमा कराया है। वो खुद अपने वकील के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश हुई हैं और अपने ऊपर जो लगाए गए इल्जाम थे उनको बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। काफ़ी दिन के बाद अपने पुराने रूप में दोबारा से दिखाई दी वो, क्योंकि पिछली कई बार सुल्ताना रज़िया सुल्ताना के रूप में वो दिखाई दे रही थी, कबायली अंदाज़ में आती थी। आज बड़े सादा लिबास में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की और एक बार फिर इमरान खान पर अपने जो इल्ज़ाम थे उनको दोहराए। वैसे तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने की, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आज तहरीक इंसाफ के नाम और मंशूर में तब्दीली का इशारा दिया है और उन्होंने दावा ये किया है कि पीटीआई के जस्टिस वजीउद्दीन और अकबर एस बाबर जैसे लोग उनकी क़यादत में काम करने को तैयार हैं। वो क्या कह रही थी, ज़रा ये सुनिए, फिर उन्हीं से बात करते हैं। नियाज़ी साहब जो है वो आउट हो चुके हैं, नियाज़ी साहब का जो है धड़न तख्ता हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द अकबर एस बाबर साहब, जस्टिस वजीउद्दीन साहब, पार्टी के रहनुमा, पार्टी के MPAs, पार्टी के कुछ MNAs जो मुझसे कांटेक्ट में हैं, वो मेरी क़यादत में आने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ में कोई धड़ा नहीं बन रहा, इसके मंशूर में कुछ चेंजेस हम करेंगे, इसका नाम बदलना है। आयशा गुलालई का ये दावा बहुत बड़ा है, क्योंकि जस्टिस वजीउद्दीन और अकबर एस बाबर ये दोनों ही शख्सियात बहुत मोतबर समझी जाती हैं, सीनियर लोग हैं जो पीटीआई की पॉलिसीज से मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर एतराज़ उठाते रहे हैं, इसलिए उन्हें मुनहरिफ रहनुमा समझा जाता है। अब आयशा गुलालई का उनसे मुताल्लिक ये दावा, तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात पीटीआई में तब्दीली के जो इशारे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मुनहरिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयशा गुलालई हमारे हमराह हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, आपने आज ही पीटीआई को नई शक्ल देने का ऐलान किया है, जस्टिस वजी और अकबर एस बाबर जैसे लोग आपके साथ हैं, आपने ये भी दावा किया है आपकी क़यादत में काम करने को ये तैयार हैं, लेकिन ये साथ होगा कैसे, सबसे पहला सवाल, और पीटीआई में धड़ेबंदी आप करेंगी या कोई नई जमात बनाएंगी, ये सब करेंगी कैसे? और दूसरी बात यह कि नियाज़ी साहब का जो कैरेक्टर का दिवालियापन है, अखलाकी दिवालियापन भी पूरी कौम के सामने है, जिसको बड़े फखरिया अंदाज में वो कहते हैं कि नहीं पैसों की करप्शन की बात होनी चाहिए, अखलाकी करप्शन की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, वो बड़े फखरिया तौर पर नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं। तो ये हमारा ईस्टर्न मुआशरा है, मशरकी मुआशरा है नियाज़ी साहब, और इस तरीके की बातें जो हैं ये आका नहीं चलेंगी और ना कोई एक्सेप्ट करेगा। और मैं उसी बात पे मैं आपकी बात, मेरा सवाल ये कि पार्टी के बहुत सारे लोग मेरे साथ रابطे में, और जस्टिस वजीउद्दीन साहब जितने ईमानदार शख्स को वो आज नाराज होकर नियाज़ी साहब से बैठे हुए, तो कोई तो बात है। सैफुल्ला नियाज़ी साहब जो हैं वो भी पार्टी में इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे। अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनको ये एतराज़ है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो मेहनत का पैसा कमाते हैं, वो जो चंदे आपको देते हैं उसमें खुर्द-बुर्द की गई, और उसका इलेक्शन कमीशन को जब जवाब आपसे तलब किया गया, तो बजाय मौजूद जज साहिबान को जवाब देने के आप उन मौजूद जज साहिबान को गालियां देते हैं बाहर और फिर माफी भी नहीं मांगते हैं। तो इस किस्म का जो रवैया है, ये तमाम लोग मेरे साथ, बहुत सारे MPAs जी, मेरे साथ कुछ MNAs, मेरे साथ PTI के सारे वर्कर्स मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ रबते में हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, और तहरीक इंसाफ के मंशूर, तहरीक इंसाफ में कोई धड़ेबंदी नहीं होगी, तहरीक इंसाफ पार्टी में ही हम लोग आएंगे, नियाज़ी साहब होगा, वो नियाज़ी साहब आउट हो जाएंगे,
होगा। लेकिन मेरा जो सवाल है वो अपनी जगह ही रह गया कि आपकी जो ये पार्टी है ये बनेगी कैसे। बहरहाल आप इमरान खान को पार्टी से अलग करेंगी, मंशूर नहीं बदला जाएगा, आप ये कह रही हैं पार्टी का नाम नहीं बदला जाएगा। ना तो देखें, तो ये तरीके इंसाफ जो है देखें, पूरी दुनिया में जिधर भी पार्टियों के सरबराह होते हैं, जमहूरियत में क्या होता है, जमहूरियत में जब पार्टी का सरबराह अखलाकी तौर पर अपना अखलाकी जवाब खो देता है, और जब वो अपनी यानी मॉरल अथॉरिटी खो देता है, जब वो अपनी फाइनेंशियल अथॉरिटी भी खो देता है, क्योंकि करप्शन का सपोर्टर है इमरान नियाजी और केपीके में एक ठेकेदार को उसने वजीर आला बनाया। आप कोई तालीम याफ्ता शख्स नजर नहीं आया पूरी पार्टी में जिसको आप वजीर आला बना सके। तो और इस तरीके से अलीम खान को उसने पंजाब का प्रेसिडेंट बना हुआ जो कि लैंड माफिया का सरगना है उधर, तो इस किस्म का शख्स जो है वो आउट हो जाएगा इस पार्टी से। हाँ, उसकी जो अपनी कुछ कमेटी है जिसमें कर पॉलिटिशियंस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इनकी अपनी जो है वो छोटा सा एक ग्रुप जो है इस पार्टी में रह जाएगा, बाकी पार्टी जो है उसका विजन। आप पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर चुके, फिर कौमी असेंबली की निशस्त क्यों नहीं छोड़ रही हैं, ये बड़ी तनकीद आप पर की जाती है। मखसूस निशस्त है वो पीटीआई की, और अखलाकी तौर पर तो आपको ये सीट छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब तो ये मामला इलेक्शन कमीशन में है, वहां पर कार्रवाई हो रही है, जो भी फैसला आता है, अगर आपके खिलाफ भी फैसला आता है आप कबूल करेंगी? मैं इदारों का एहतराम करने वाली हूँ, और महजब माशरे में इदारों का आईनी इदारों का एहतराम ही किया जाता है, उनको गालियां नहीं दी जाती। और मैं आज मैंने ये पैगाम दिया है कि जिस तरह मैं पेश हो रही हूँ उसी तरीके से नियाजी साहब को भी पेश होना चाहिए, उसी तरीके से शरीफ खानदान को भी पेश होना चाहिए, उसी तरीके से सबको पेश होना चाहिए, क्योंकि आईनी जो इदारे हैं हमारे मुल्क के वो उसको अगर आप नियाजी साहब की तरह गालियां देना शुरू कर दें के बजाय आप उसको तफसीलात दें चंदे की कि चंदे में खाया गया चंदा खुरबुर्द हुई कि नहीं हुई, आप उसको गालियां दें, फिर पीटीवी के ऊपर आप हमला करें, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर आप हमला करें, दहशतगर्दी की अदालतों में से आप मफरूर हो जाएं, आप उधर पेश ही ना हो, तो इस किस्म की जो चीजें हैं वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मेरा पैगाम ये कि इदारों को ना सिर्फ आप जो है उनका एहतराम करें बल्कि उनको डिफेंड भी करें। और जिस तरीके से नैब को गालियां दी जा रही हैं, आपने कहा कि आप सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपने, जस्टिस वजीह का आपने नाम लिया, अकबर एस बाबर का आपने नाम लिया, कोई और नाम आप ले सकती हैं जो आपकी कयादत में काम करने को तैयार हैं लोग? देखिए, अब मैं आपको जनरली आपको एक मैं व्यू बता रही हूँ कि तरीके इंसाफ पूरी तरीके इंसाफ मेरे साथ है और इंशाल्लाह मेरे साथ ही होगी, और ये आप थोड़ा सा इंतजार करें, ये अभी इनिशियल हालत में सारे मामला चल रहे हैं, और इसमें हम जल्द एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो आइंदा का लाइहा अमल है वो तय किया जाएगा, और फिर जो उसके बाद हमारा जलसा होगा उसमें फिर वो हमारा जो विजन है, एक तो वो जो खुदा की तरह इंसान को पूजने वाली डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि नियाजी साहब की ही डॉक्यूमेंट्री के बचपन में वो कैसा था, फिर वो बड़ा कैसे हुआ, फिर वो दौड़ता कैसे है, फिर वो कपड़े कैसे पहनता है, फिर वो हंसता कैसे है, तो ये तमाम तरह चीजें जो है इसे पाकिस्तानी कौम को कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तानी कौम आप जिस तरह से कह रही हैं आयशा कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ आपके हमरा है, आप इमरान खान को पार्टी से निकाल देंगे, इतना बड़ा आप दावा कर रही हैं तो ऐसे ही तो नहीं कर रही होंगी, किस ग्राउंड पर ये क्लेम कर रही हैं? और अमूमन जब इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो पीछे कोई ना कोई बड़ी सपोर्ट होती है, कौन सी फोर्स है आपके पीछे जिसकी बुनियाद पर आप ये सब कुछ करने का इरादा रखती हैं? मेरे साथ पीटीआई के अवाम हैं, पीटीआई के जो पाकिस्तान के अवाम हैं और पीटीआई के वर्कर्स हैं। मैं पार्टी छोड़ने वाली थी क्योंकि मुझे जो रवैया था इस नियाजी साहब का एस पार्टी हेड वो मुझे पसंद नहीं था, और उस नियाजी साहब ने मुझे जो सजा देने की कोशिश की वो ये थी कि उसने मेरे खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेज दिया। ये मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस था, लेकिन जब मैंने पीटीआई को छोड़ने का इरादा किया तो मुझे पीटीआई के वर्कर्स ने मुझे कहा कि हम खुद इस शख्स से बड़े तंग हैं जिसने हमारी कुर्बानियों को नजरअंदाज करके आज उन्होंने करप्ट पॉलिटिशियंस को बनीगाला में बिठाया हुआ है और उनसे पार्टी मामलात भी चला रहे हैं, उनसे हुकूमती मामलात भी चला रहे हैं, तो और डंडे और आंसू गैस जो शेलिंग है वो हम पे होती है, तो आप प्लीज पार्टी मत छोड़ें, हमारी कयादत आप करें, क्योंकि आपके हाथ भी साफ हैं, आपका जमीर भी साफ है, आपने एक बहादुरी की आवाज भी उठाई है, क्योंकि आप में इतना करेज है कि आपने एक पॉपुलर आदमी के खिलाफ आपने जुर्रत की आवाज उठाई है और आपने पाकिस्तान की खवातीन को भी जुर्रत दी है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी कयादत करें। और मैं
मैं आपको ठीक है बहुत शुक्रिया आयशा गुलालई, मुनहरिफ राजस्थान तहरीक इंसाफ हमारे हमरा थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तब्दीलियों का इशारा दे रही थी और ये कह रही थी कि इमरान खान साहब को पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन वो अपनी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम आपको लाहौर लिए चलते हैं। वज़ीर-ए-मुमलिकत बराए दाखला तलाल चौधरी लाहौर में।